यारो बहुत खुश है कि उसके मम्मी पापा आ गए। लेकिन यारो एक बात पूछना चाहता है आप दोनों से। आप दोनों ने अपने ट्रिप को छोटा क्यों कर दिया? अच्छे से एंजॉय करके क्यों नहीं आए? क्योंकि ना यारो, हमारा लग लग के तेरे बिना दिल ही नहीं लगा। तुझे कभी ऐसे अकेले छोड़ा नहीं ना, पूरा ध्यान तेरी तरफ लगा हुआ था, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, तो हमें लगा कि वापस ही चलते हैं। पापा मम्मी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन आप दोनों को पता होना चाहिए कि पापा ने यारो को इतना बड़ा कर दिया है, तो यारो अब खुद को संभाल सकता है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अरे बेटा, भरोसा तो है, और पूरा भरोसा है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। लेकिन बेटा क्या करें, तू इतना भोला है ना, तेरे अंदर ना तो इंसानों वाली चालाकी है, ना तुझे कोई मैनिपुलेशन आती है, इसलिए हम दोनों को हमेशा तेरी चिंता लगी रहती है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। यारो, जब तू मेरे आसपास नहीं होता ना, तो मैं तुझे कर करके बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। एक बात सच सच बोलूं, यारो भी आप दोनों को बहुत मिस करता है अगर आप लोग कहीं दूर होते हो तो। लेकिन आप दोनों को साथ देखकर बहुत खुश भी होता है। सोचता हूँ कितने लकी हैं आप लोग। लकी तो हैं हम बेटा जी, लकी तो हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी बीना जी जो हैं। अब वैसे तो मैं भी बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे पास तेरे पापा जो हैं। यस, अगर संजू यहाँ होती तो यारो भी लकी हो जाता और हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाती। चुका दिया था। यारो को मैंने कितना परेशान किया, कितना ह्यूमिलेट भी किया, पर उसने तो कोई शिकायत ही नहीं की। इतना प्यारा है वो। मैसेज करके देखती हूँ, जाग रहा है या सो गया। एक फिल्म में देखा था, हीरो ने हीरोइन को कहा था, मेरी नींद तो सिमरन ने चुरा ली है। वो ही लिख देता हूं, संजू खुश हो जाएगी।
घड़ी लगती है, एक काम करेंगे वहां लगा देंगे इसको, है ना? वाओ पापा, ये सब क्या है? पुत्र रंजीत आया ना सवेरे सवेरे दर्शन देने के लिए, और इतने सारे गिफ्ट लेके आया वो तुम्हारे लिए, और रिटर्न गिफ्ट में उसने तुम्हारा हाथ मांगा है। क्या? हाँ पुत्र, देखो ना कितने सारे गिफ्ट लेके आया है वो। अब मुझे पता चल गया, दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हारा खर्चा उठा सकता है, वो है रंजीत, ओनली रंजीत। मैं रंजीत से शादी नहीं करूंगी। क्या? शादी तुम्हारा बाप भी करेगा। क्या? आपको शादी करनी है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, शादी तो इसको करनी ही पड़ेगी। देखो हम कबाड़ी लोग हैं, मतलब व्यापारी लोग हैं, एक बार जो वादा करते हैं फिर वादे से नहीं मुकरते हैं। तूने कहा था ना अगर रंजीत की हाँ तो मेरी हाँ। लेकिन अब मेरी हाँ नहीं है। तू हाँ कर चाहे ना कर, तेरी शादी रंजीत के साथ ही होगी, समझी मेरी बात को? अब मैं बहुत जल्दी तेरी शादी की पीपनी भिजवा दूंगा। सुश डार्लिंग, पापा को समझाओ ना। देखो डार्लिंग, तुम्हारे पापा है एक अड़ियल सांड, कई सालों से जानती हूं उन्हें, जिस बात पे ठान ली सो ठान ली, फिर वो किसी की नहीं सुनते। इससे अच्छा तू ही अपना माइंड बदल ले। और वैसे रंजीत है लड़का बड़ा ब्रांडेड। सोच ले। रंजीत से तो मैं किसी भी हाल में शादी नहीं करने वाली, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। मुझे कुछ भी करने की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा। ऐसा क्यों होता है कभी कभी संजू मेरे मैसेज का एकदम से जवाब दे देती है? उधर मैसेज भेजा टिंग 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 टिंग, इधर मैसेज आया, और कल रात को इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे स्माइलीज, सब भेजा, लेकिन अभी मेरा मैसेज भेजे हुए 39.8 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। ऐसा क्या हुआ होगा कि संजू यारों को रिप्लाई भी नहीं कर रही? देखिए मीना जी कितना उदास बैठा है, इसको उदास देखता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे अपने स्वार्थ के लिए बना दिया, और ये भी नहीं सोचा कि हम लोग जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा बेचारे का, अकेला पड़ जाएगा इस दुनिया में, इसको संभालेगा कौन बिना जी उसके बाद? कोई बात नहीं अग्रवाल साहब, प्लीज आप सोच सोच के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अरे ठीक है यारो, और अभी हम लोग है ना, अगर कुछ हुआ तो हम संभाल लेंगे इसको, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है बिना जी, सब गड़बड़ है, मैं कल रात से इसको देख रहा हूँ, कल रात को इसने अचानक गाना गाना शुरू कर दिया, उसके बाद मुंह में कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, फिर चुप हो गया, और अब देखिए एकदम उदास बैठा है। बिना जी मुझे लगता है कि इसके सॉफ्टवेयर को मुझे ठीक से स्कैन करना पड़ेगा, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। नहीं नहीं अग्रवाल साहब, ऐसा कुछ नहीं है। यस, यस, नो। देखा देखा बिना जी, अभी उदास था और अभी खुशी से उछलने लगा है ये। मैंने आपसे कहा ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इसके साथ। कहाँ रह गया यारो, इतनी देर हो गई, कब से मैं वेट कर रही हूँ यार। हे संजू, तुमने यारो को अर्जेंटली बुलाया और यारो चला आया, बताओ सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक नहीं है यारो, लेकिन ठीक हो सकता है। कैसे? संजू को ना एक नई किक मिली है, क्या तुम उसके लिए मेरा साथ दोगे? यारो तो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। थैंक यू यारो, तो अब आगे का प्लान सुनो। हाँ। बहुत मजा आएगा, हमें बहुत मजा आएगा। सचमुच बहुत मजा आएगा। We'll be right back.
मम्मा भूख नहीं है। अरे क्या? मूड 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 मेरा मूड। तूने का भूत नहीं, यारो हूँ। यारो, मैं, तू अधूरी दुल्हन बन के ऐसे चुड़ैल जैसे क्यों आई है? तो आई कहाँ से? खिड़की से। खिड़की से? क्यों? ढोल है, बैंड है, बाजा है, घोड़ी है, दूल्हा है, लेकिन बैंड बजाने वाला कोई नहीं है। चलो बैंड बजाएं। अरे आधी रात को किसकी शादी, क्या बैंड बाजा, क्या बात कर रहा तू? बचपन से मेरा सपना था आधी रात को सबकी नींद उड़ा के शादी करनी है। यारो बारात लेके आने वाला है। बारात लेके जाएगा, वो भी संजू से शादी करने? हाँ बेटा लाल, अपने दिल से निकाल दे ये ख्याल, नहीं होने वाला। जरूर होगा, क्योंकि सब कुछ हो गया है, लाइट उठाने वालों की कमी है। तो चल मेरे साथ। तो मैं क्या लाइट उठाऊंगी तेरे साथ? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, हम चलते हैं तेरे साथ। लेकिन एक बात बता, संजू क्या कहेगी जब उसे पता चलेगा कि तू इंसान नहीं रोबो है? वो कहेगी एक ही बात को कितनी बार दोहरा चुके हो, पहले भी 10 बार बता चुके हो कि रोबो हूँ रोबो हूँ रोबो हूँ। क्या तू संजू को बता चुका है कि तू एक रोबो है? यारो सब कुछ सच सच बता चुका है, उससे क्या छुपाना। और वो फिर भी तैयार है तुझसे शादी करने के लिए? हाँ। भाई तेरे यार भी तैयार है। यार की शादी है? यहाँ नहीं, नीचे नाचना है, बारात वहां चलेगी। चलो जल्दी से आ जाओ, ये देखो आज यारो की शादी है। कितनी अच्छी बात है, चांदनी रात है, अमर प्रेम और डॉली का यारो अपनी शादी में पूरे दिल से स्वागत करता है। तन्नो की शादी है कि धन्नो की शादी है? ये कैसी शादी है, कोई है ही नहीं। हाँ कैसे कुछ नहीं है? शादी में क्या चाहिए होता है? घूंघट में लड़की चाहिए होती है और सहरे में लड़का चाहिए होता है। तू लड़की वाली, मैं लड़की वाली, ऐसे ये लड़के वाले। ये देखो घोड़ी भी है, लाइट भी है और तुम बैंड वाले। तो चलो बजाओ। वाह 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 वाह, क्या किक मारी है तुमने। हाँ हम लोग को बोला बराती बन के नीचे रहो और हम हमसे बैंड बजा रहे हो? हाँ यार हमें नहीं करना ये सब, हम जा रहे हैं। हाँ अमर प्रेम ऐसे मत बोलो, इसको हटा के देखो यारो बहुत सैड है। जब से शादी का वर्ड यारो की डिक्शनरी में आया है तब से यारो बहुत एक्साइटेड था, कभी यारो की भी शादी होगी। और आज मतलब आज रात को जब ये दिन आया है तो यारो के यार ही उसका साथ नहीं दे रहे। कैसे यार हो यारो, लेकिन कैसे दिलदार हो? अरे बैंड वाले, कैसे प्यार हो? अरे सुन तो सही, कैसे यारो की यार हो? अच्छा चल ठीक है यार, तो बजाओ बैंड। बजा? तो बजाओ बैंड। बजा, घोड़ी पे चढ़ू? हाँ चढ़ जाओ। अरे हाँ रुक जाओ, घोड़ी पे तो गधा मतलब दूल्हा चढ़ता है ना? हाँ यार यही रिचुअल है। अरे ये संजू की शादी है तो रिचुअल भी संजू बनाएगी। सचमुच संजू कितनी इनोवेटिव है। चढ़ जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी।
बेफजूल में जो है उछल रहे हो। बिना हमारे परमिशन के कबूतर भी पंख नहीं निकालता और तुम लोग बारात निकाल रहे हो, तो कर देंगे हम। चलो प्रोग्राम शुरू करो। अब तो मेरे सास ससुर भी आ गए, पता तो चले उन्हें अपनी बहू का टशन। तो हसीना जुल्फों वाली, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, चल के ठोकर ले चतुर्वेदी चिंतामणि। कितना मजा आ रहा है ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.